एनसीईआरटी पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पर lakshya.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, आज का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है इस चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर पूरी 100% एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी, बगल में व्हाइट बोर्ड में मैंने कई सारी चीज़ें तुम्हें समझाने के लिए लिख ली हैं, कि कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में ना बचे और बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। तो बस कोऑर्डिनेशन का मतलब कोई पूछे तो सिंपल सी लाइन है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अरे हमने जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे ना, क्या क्या सिस्टम पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन के लिए, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करें, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल किसका होगा, नर्वस सिस्टम का, और एक और सिस्टम का, हार्मोनल सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का, आगे समझेंगे। पहले समझते हैं टॉपिक 1, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम समझने से पहले एक चीज समझो, क्या समझना है, स्टिमुली का मतलब और रिसेप्टर का मतलब। क्या होता है स्टिमुली, क्या होता है रिसेप्टर। एग्जाम्पल देखो तुम्हारे सामने, ये जो गुस्सैल चेहरा बना हुआ है, ये तुम्हारे पापा जी हैं, तुम्हारे फादर, ठीक है। और नीचे जो तुम बैठे हो ना, ये हो तुम, यू, जो तुम स्माइल कर रहे हो, बट पापा जी गुस्सा हैं। क्यों, बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग। अब तुम पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए पापा जी गुस्सा हैं। तो तुम्हारा ना पढ़ना ये जो रीज़न है, ये पापा जी के गुस्सा होने का क्या है, रीज़न, जिसको हम बोलेंगे ट्रिगर पॉइंट। तो पापा जी के गुस्सा होने की स्टिमुली क्या है, रीज़न क्या है, स्टिमुली, यू आर नॉट स्टडिंग, क्या हो गया ये स्टिमुली, ठीक है। तो आओ यही हो गया स्टिमुली, क्या होता है कि कोई रीजन, कोई एक ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। और जो भी बॉडी पार्ट ये ट्रिगर पॉइंट को सेंस कर ले, वो होता है रिसेप्टर। क्या है, कैसे है, आओ सब देखते हैं। ये रिसेप्टर कई टाइप के होते हैं, जो तुम्हारे स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहे होंगे। जैसे लाइट को कौन सा रिसेप्टर सेंस करता है, फोटो रिसेप्टर। साउंड को फोनो रिसेप्टर। स्मेल को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टेस्ट को जब भी तुम कुछ खाते हो, तुम्हारे टंग पे ना रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं गुस्टैटरी रिसेप्टर, जो टेस्ट को सेंस कर पाती हैं, तुम्हें मालूम पड़ पाता है कैसा टेस्ट है। और टच को थर्मो रिसेप्टर, जब भी तुम कुछ गर्म टच करोगे तो तुरंत ही मालूम पड़ता है कि ये गर्म है। क्यों, क्योंकि टच के लिए एक अलग रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। क्या, नर्वस सिस्टम। कोई भी सिस्टम किससे बना होता है, ऑर्गन से। किससे, ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बने होते हैं, सेल से। और नर्वस सिस्टम की सेल को बोलते हैं ये न्यूरॉन। आओ देखते हैं न्यूरॉन को क्या क्या होता है। देखो इस तरह का होता है, सबसे पहले एक सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी जो ये ऑरेंज कलर की है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हर सेल में होगा, तो ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, ये हो गई सेल बॉडी। और ये जो आउटलाइन है, ये देखो ये जो आउटलाइन है ना, ये अगल बगल, ये होती है डेंड्राइट। जो आउटलाइन निकली हुई है, ये है डेंड्राइट। फिर ये जो डेंड्राइट्स हैं, यही सेंस करती हैं, ठीक है, यही सेंस करती हैं, यानी समझ लो रिसेप्टर हैं, यही रिसेप्टर हैं। फिर यहाँ से मैसेज इस तरह से ट्रांसफर होता है आगे की तरफ। और ये कहाँ, ये जो सिंपल बीच में एक लाइन जा रही लंबी सी, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। जो ये पर्पल शीट चढ़ी होती है, इसको बोलते हैं MS, माइलिन शीट, ये प्रोटेक्ट करती है इसको। और फिर एंडिंग में ये जो निकला हुआ है 1, 2, 3, 4, ये सारा क्या है, ये सारा है नर्व एंडिंग, ठीक है, समझ गए। एक बेहतरीन डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। चलो इधर आ जाओ, जो हमने पढ़ा एक बार उसी को देख लो, कि ये था डेंड्राइट अपना। डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मेशन लोड करता है, सेंस करता है, यानी क्या है, रिसेप्टर। फिर कहाँ जाता है वो इन्फॉर्मेशन, साइटोन में, यानी सेल बॉडी में, साइटोप्लाज्म में। फिर एक्सॉन के थ्रू, जो लंबी वाली लेंथ थी, एक्सॉन के थ्रू ट्रांसफर होता है नर्व एंडिंग में। अब ये नर्व एंडिंग कहाँ जाएगी, ये नर्व एंडिंग अटैच होती है दूसरे न्यूरॉन के। ये तो हमने सिर्फ एक सेल का समझा, ये पूरा डेंड्राइट से लेके नर्व एंडिंग तक एक सेल था। फिर ये अटैच होती है सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से, यानी पहले वाले पार्ट से। अरे ये देखो यार, नीचे देखो समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो ये जो ब्लैक रेड है, ये ब्लैक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली गई, साइटोन में आई, ये डेंड्राइट से साइटोन में आई, फिर एक्सॉन से ट्रैवल होकर इधर गई। तो ये यहाँ इतना लंबा, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट न्यूरॉन। बट
फर्स्ट न्यूरॉन के बाद ये कनेक्ट होता है सेकंड न्यूरॉन। यहाँ पे फर्स्ट के बाद कनेक्ट होता है सेकंड न्यूरॉन, इसका एंडिंग वाला पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट से, यानी इसकी नर्व एंडिंग कनेक्ट होती है इसके डेंड्राइट से, और फिर ये आगे जाता है। अब या तो ये भी आगे किसी और न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, पहला केस किसी और न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, और दूसरा केस ये मसल सेल से कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे कनेक्ट है ये मसल सेल। अब आओ समझते हैं पहला केस, जब पहला न्यूरॉन कनेक्टेड होता है दूसरे न्यूरॉन से। देखो ये पहले न्यूरॉन की डेंड्राइट है ऑरेंज पार्ट, डेंड्राइट्स पे मैसेज एक्वायर किया जाता है, यानी यहाँ पर मैसेज रिसीव कर लिया गया, ले लिया गया। अब ये मैसेज कहाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तरीके से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन करके ट्रांसफर होगा डेंड्राइट से एक्सॉन से, एक्सॉन यानी रेड पार्ट, यहाँ से कहाँ तक, ये नर्व एंडिंग तक, ब्लू पार्ट तक। बट जैसे ही ये मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह से तो ट्रांसफर हो रहा था, बट जैसे ही ये मैसेज ब्लू वाले पार्ट पे पहुंचेगा, विच इज नर्व एंडिंग्स ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, ये कन्वर्ट हो जाता है केमिकल मैसेज में, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंड न्यूरॉन अटैच्ड है, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकेंड न्यूरॉन का अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं सिनेप्स, और सिनेप्स में केमिकल ट्रांसमिशन ही होता है मैसेज का, इलेक्ट्रिकल नहीं। इसलिए नर्व एंडिंग पे ये मैसेज इलेक्ट्रिकल से केमिकल मैसेज में बदल जाता है, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से ट्रांसफर होता है इस तरह से। देखो ये लेफ्ट वाला ग्रीन है पहला न्यूरॉन, राइट वाला ग्रीन है दूसरा न्यूरॉन। तो अभी तक तो ये नर्व इंपल्स आया, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैसेज आया, बट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया केमिकल मैसेज में, और न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से सिनेप्स में, सिनेप जो सिनेप्टिक गैप लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है गैप, सिनेप्स, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से ट्रांसफर हुआ किसमें, सेकंड वाले न्यूरॉन में। ये इतना डिटेल में आएगा क्लास 11th में, अभी के लिए इतना जानो कि फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उस कनेक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। फिर देखो ये दूसरा केस जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सिनेप्स। क्या है ये देखो एक्सॉन है, ये देखो ये यहाँ पर जो दिखाया गया है येलो पार्ट में, क्या दिखाया गया है कि ये इस तरह की एंडिंग थी इसकी, ये जो एंडिंग वाले थे नर्व एंडिंग, ये कनेक्ट है किससे, मसल फाइबर से। आ जाओ नीचे, नीचे आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, ये हमने ऊपर ही देख लिया है कि कहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है, कहाँ पर होती है बताओ, कहाँ पर होती है, डेंड्राइट्स पे। फिर उसके बाद थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कहाँ पे ट्रेवल करती है, वो लंबे वाले पार्ट पे, एक्सॉन पे। फिर वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल में कहाँ कन्वर्ट होती है, केमिकल सिग्नल में ये यहाँ पे एंडिंग वाले पार्ट पे कन्वर्ट होती है, जो कौन सा पार्ट होता है एंडिंग वाला, नर्व एंडिंग। ठीक है समझ गए, आओ चलो व्हाट हैपेंस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये समझो, एक कनेक्शन होता है ब्रेन का और बॉडी पार्ट्स का। कैसे होता है कनेक्शन, अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि तुम्हारा हाथ रख दिया जाए फ्लेम के ऊपर, ठीक है आग जल रही है, तो तुम ये सेंस कर लोगे कि ये गर्म है, मैसेज पहुँचाओगे ब्रेन तक, और ब्रेन तुम्हें मैसेज पहुँचाएगा कि अपना हाथ हटा लो। इस पूरे सडन एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन। नीचे यहाँ पे देखो समझाया गया कि ये गर्म आग लग रही है, ठीक है तुम्हारे हीट रिसेप्टर जो है तुम्हारे हाथ में स्किन में, ये हीट और पेन को सेंस कर लिए, फिर सेंसरी न्यूरॉन से ये जो गया इधर, ये क्या है सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज पहुंचा रहा है, कहाँ से, R2N रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम तक ये पहुंचा रहा है मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ तक पहुंचा मैसेज। फिर बीच में आ गया रिले न्यूरॉन और फिर ये मोटर न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, ये N से M तक यानी न्यूरॉन से नर्वस सेल से कहाँ तक पहुँचा रहा है, मसल तक। देखो मसल तक, यह आ गया मसल तक मैसेज वापस कि भाई हाथ अपना हटा लो। ठीक है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कि हाथ अपना हट गया, और इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कौन सा पाथवे, कि सेंसरी न्यूरॉन से वहां तक मैसेज गया, फिर बीच में रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ने क्या बोला कि मसल सेल को कि हाथ अपना हटा लो गर्म गर्म पानी या गर्म गर्म भाप से। चलो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है ये समझ लो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, दो सिस्टम, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपनी स्क्रीन पे देखो एक डायग्राम, सेंट्रल जो ये बीच की लाइन पे पड़ रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, हर एक चीज ये क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो साइड साइड में निकल रहा है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो हमने बीच वाली लाइन पे देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, अभी हम देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स निकल रही थी दो टाइप की होती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं वो होती हैं क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, फिर स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स। ठीक है समझ गए, ये बेसिक नॉलेज हमने देख लिया क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हमने देखा था कि ब्रेन के तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला, और हिंड ब्रेन मतलब बैक वाला। तो फोर ब्रेन पे आते हैं, द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट,
अरे लेकिन ये है कहाँ? ये हम लोग डायग्राम से यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये देखो, ये है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या है? सेरेब्रम। ये पूरा ये पूरा पार्ट है फोर ब्रेन, ठीक है। फिर ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या है? ये व्हाइट वाला बीच वाला पार्ट, जिसमें क्या आता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर ये हिंड ब्रेन पीछे वाला, जिसमें आ गया पॉन्स ये एरिया, मेड्यूला ये एरिया, और सेरेब्रम ये छोटा वाला एरिया, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया। स्पाइनल कॉर्ड इसके नीचे होती है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन? क्रेनियम, स्कल। अरे स्कल अपनी खोपड़ी, हेड। चलो ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो कौन सा काम क्या करता है। फोर ब्रेन क्या काम करता है जल्दी देखो। फोर ब्रेन क्या काम करता है? फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। कई सारे काम करता है, और मेन थिंकिंग पार्ट कौन होता है? फोर ब्रेन। फिर नीचे आ जाओ, फोर ब्रेन के बाद अपना था मिड ब्रेन। अब देखो, इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल, यानी आंखों का जो प्यूपिल होता है उसकी साइज चेंज करना, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे एक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, जैसे स्वेलोइंग, ये लिखा ना, सेलिवेशन यानी तुम स्वेलो कर रहे हो, वॉमिटिंग, ये सब ब्लड प्रेशर को चेंज करना, ये सब क्या है? इनवॉलेंटरी एक्शन। भैया बट ये इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी क्या आ गया? अरे यार इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी नहीं पता, इनवॉलेंटरी एक्शन वो है जो नॉट इन कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है, और वॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल से होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि जाकर वो बुक उठा के लाओ, तो तुम्हारी कंट्रोल में है, तुम अपनी इच्छा से अपने मन से उठोगे और बुक लेके आओगे। बट इनवॉलेंटरी क्या है? जैसे कि तुम सांस ले रहे हो, स्वेलो कर रहे हो कंटिन्यूअसली, फिर उसके बाद हार्ट बीट चल रही है, ये सारा क्या? इनवॉलेंटरी, अपनी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये अपने आप बॉडी करते रहती है। तो वही इनवॉलेंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? अपना हिंड ब्रेन। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है, हिंड ब्रेन। फिर अगली चीज देखो, कई सारी एक्टिविटी जैसे वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सारी बैलेंस वगैरह वाली एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल किसके परफॉर्मेंस होती है? सेरेबेलम। कहाँ पे? सेरेबेलम, यानी ये वाला पार्ट यार अपना, ये वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट। समझ गया हिंड ब्रेन के बारे में। चलो मिड ब्रेन में क्या था? मिड ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ था अपना ये, अरे मिड ब्रेन में तो सिर्फ दो चीज़ थी ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। इनका क्या रोल है? आगे अभी दिखेगा, आगे समझ में आएगा। अब हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड? ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तीन चीज़ से, बोनी बॉक्स, फ्लूइड फील्ड बैलून, वर्टेब्रल कॉलम। देखो अगर ये तुम्हारा स्कल है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा स्कल है, ये जो आउटर वाला है, ये जो आउटर सबसे, ये आउटर ब्लैक वाला है, ये क्या है? स्कल है, खोपड़ी। तो बीच में ये ब्रेन है येल्लो पार्ट, लेकिन ये जो बीच में पड़ जाता है ब्लू ब्लू कलर का, ये है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये तुम्हें हेल्प करता है। तो पहले चीज क्या हेल्प कर रही है प्रोटेक्शन के लिए? स्कल, खोपड़ी, हार्ड लेयर बाहर की, जिसका नाम है क्रेनियम, फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और तीसरी ब्रेन के नीचे अपना हेड ऐसे बिल्कुल पीछे तरफ घुमाओ, एक चीज फील होगी पीछे तुम्हें, गड़ता हुआ कुछ फील होगा, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये तीन चीज मिलकर प्रोटेक्ट करती है तुम्हारे ब्रेन को। फिर हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? कैसे एक्शन होता है, क्या होता है, हमने ऊपर ही देखा था काफी कुछ। अब वो नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन करती है, हमने ऊपर ये चीज देख लिया था कि यार नर्वस टिश्यू का एक्शन किस तरह से होगा। जब अपना सारा कनेक्शन, देखो मान लो ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट में आया, फिर ये एक्सॉन गया, एक्सॉन में क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल कर रही है, और नर्व एंडिंग पे क्या हुआ ये मैसेज, ये मैसेज बदल गया केमिकल मैसेज में, फिर आगे कैसे ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, ये सब अभी हम देखेंगे। चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, वॉकिंग क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल इमीडिएट होता है, इनवॉलेंट्री टाइप का, और वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है बिल्कुल कंट्रोल में। व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स? सिनेप्स में क्या होता है दो न्यूरॉन्स के बीच? तो सिनेप्स में केमिकल मैसेज ट्रांसफर होता है। तुम्हारी स्क्रीन पे देखो ये दिख रहा होगा, ये जो एंडिंग यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से अगले तक में जो ये ट्रांसफर है, ये केमिकल मैसेज, कुछ केमिकल्स एक्सचेंज होते हैं और इसी तरह से मैसेज ट्रांसफर होता है, यही होता है सिनेप्स। फिर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम? अभी ऊपर बताया था, कौन सा कमेंट करके बताओ। चलो नीचे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एक प्लांट है, तुमने सबने देखा होगा, छुई मुई। क्या? छुई मुई। ये एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा फैमिली से जो बिलोंग करता है, टच मी नॉट। इसको होता क्या है, टच करते ही ये प्लांट ऐसे ऐसे बन जाता है। देखो नीचे फोटो भी दी हुई है, पहले इस तरह का रहता है, पहले ये इस तरह का रहता है, फिर जब इसको टच करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा श्रिंक हो जाएगा, बंद हो जाएगी इसकी लीव्स, ठीक है।
ये क्यों पा रहा है? क्योंकि इसमें रिसेप्टर लगे हुए हैं, स्टिमुली पर रिस्पॉन्स कर रहा है। ये सब समझने से पहले इधर देख लो कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जहां भी टर्म पढ़ना समझ जाना, डायरेक्शनल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? डायरेक्शनल मूवमेंट। अब ये डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। कैसे, क्या, सब देखते हैं। आओ देखो ये क्या है, फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या है? फोटोट्रॉपिज्म दो टाइप के नहीं है, एक दो तीन चार, चार टाइप के हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट। कौन कौन से? पहला फोटो, दूसरा जियो, तीसरा हाइड्रो, चौथा केमो। क्या है फोटोट्रॉपिज्म? फोटोट्रॉपिज्म यानी कि लाइट को लेकर, लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो। दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर लाइट के उल्टा हो रहा है मोशन, मूवमेंट, लाइट मान लो इधर से आ रही है बट मूवमेंट उल्टा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। उसी तरह जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक क्या होता है, अर्थ को लेके। अगर अर्थ की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो वो हो गया पॉजिटिव, अर्थ से निगेटिव हो रहा है उल्टा तो हो गया निगेटिव। हाइड्रो यानी वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट, ठीक है, ये भी पॉजिटिव निगेटिव। और कीमो यानी केमिकल की तरफ मूवमेंट, और ये सारे क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट। इसीलिए पॉजिटिव निगेटिव है कि लाइट के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव। सेम विद जियो, हाइड्रो एंड कीमो। आओ पढ़ो, यहाँ पे नीचे आओ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जैसे एग्जांपल अब हमने लिया है टेंड्रिल्स का। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब, देखो 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 जल्दी, ये यहाँ पर नीचे हमने क्या है, एक बॉक्स, एक पॉट लिया हुआ है, ठीक है, उसमें ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्री समझ लो, ब्रांच समझ लो, कुछ भी ये लगा हुआ है। फिर ये ग्रीन वाला क्या है, टेंड्रिल। तुमने देखा होगा ना कई कई पेड़ पे ऐसे लपटा हुआ होता है, ऐसे लटाएं लपटी होती हैं, वो होता है टेंड्रिल। देखो जो पार्ट यहाँ पर लपटा हुआ है, जो पार्ट यहाँ पर लपटा हुआ है इसकी ग्रोथ कम रहती है, देखो लेस ग्रोथ। बट जो पार्ट अभी ये लटक रहा है, अभी पेड़ में नहीं लपटा है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है। तो सोचो जो पार्ट ये है इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। ये पुश किया इसको तो और कर्ल्स इस तरह के बनते जाते हैं, टेंड्रिल्स इस तरह के बनते जाते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। अब एक्टिविटी 7.2 में क्या समझाया गया है, ये देखो एक्टिविटी 7.2 कि एक ऐसे इस तरह का फ्लास्क रखो, ठीक है, इस तरह का फ्लास्क रखो, पानी में पेड़ है उसमें और सनलाइट एक तरफ से आ रही है। फिर क्या करना, कुछ दिन बाद इस फ्लास्क को इन्वर्ट कर देना कि ऐसे कर देना और पेड़ का मुंह इधर घुमा देना। फिर भी देखोगे कुछ दिन के बाद कि पेड़ का मुंह ऑटोमेटिकली इधर सनलाइट की तरफ घूम जाएगा और रूट्स इधर इधर घूम जाएंगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऊपर कुछ मैंने समझाया था, यहाँ पर ये जब टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट के टाइप, ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप। पहला क्या था, फोटो, लाइट को लेके। तो फोटो मूवमेंट जो लीव्स होती है ना प्लांट की, ये फोटो मूवमेंट यानी कि फोटोट्रॉपिज्म कैसा शो करती है, पॉजिटिव यानी लाइट की तरफ घूम जाती हैं, ठीक है। वहीं रूट कैसा शो करती है, निगेटिव। तो इसीलिए वहां पर जब तुम चाहे घुमा कर भी रख दोगे इस तरह से तो सनलाइट जिधर से आ रही उधर तरफ लीव्स घूम जाएंगी तो ये हो गया पॉजिटिव, और लेकिन सनलाइट जिधर आ रही है उससे उल्टा रूट्स घूम जाएंगी तो ये हो गया निगेटिव, ठीक है। उसी तरह जब वाटर में आओगे तो भी नीचे भी देखने को एग्जाम्पल मिलेगा। आ जाओ जल्दी आ जाओ नीचे, नीचे हमने देखा ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो ये जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल, जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या है, एक अगर पॉट को तुम इस तरह से भी रख देते हो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, गिरा करके रख देते हो तो भी देखोगे कि जो रूट्स हैं वही नीचे की तरफ आएंगी, जो रूट्स हैं वो अपने आप नीचे की तरफ ऐसा बेंड होते दिखेंगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा जो स्टेम वाला पार्ट है, तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या था, अर्थ, ये अर्थ की तरफ निगेटिवली अट्रैक्ट है, ये ऊपर ही जा रहा है, और ये पॉजिटिवली अट्रैक्ट है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और ये फिगर एग्जांपल दे रहा है हाइड्रोट्रॉपिज्म का, जियोट्रॉपिज्म देख लिया, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है वाटर। देखो जब भी इस तरह का सॉइल में वेड लगाते हो बगल में एक बार ऐसा गड्ढा करके पानी भर दो थोड़ा सा, और कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद देखोगे कि रूट्स जो है इस तरफ शिफ्ट होंगी, इस तरफ बेंड होंगी जिस तरफ पानी रखा है, तो रूट्स क्या शो करती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी पानी की तरफ अट्रैक्टेड होती है, पानी की तरफ मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शनल मूवमेंट। अब आ जाओ देखते हैं कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल, कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल क्या है, पॉलन ट्यूब। अब नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में तुम देखोगे कि पॉलन ट्यूब कैसे ग्रो करती है, यहाँ पे आ जाता है
फिर एक ट्यूब अपने आप ग्रो करके अंदर चली जाती है। ये एक केमिकल की वजह से होता है जिसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म का मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल। बस ये लाइन लिखनी है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स। ठीक है, आगे देखो। अब आगे यहां पर हम समझने वाले हैं, हमने समझ लिया सारा का सारा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म भी आगे दिखेगा, हर एक चीज समझ ली। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वर्सेस केमिकल। यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक होता है, एक इलेक्ट्रिकल तरीके से नर्वस सिस्टम से हम पे कंट्रोल होता है, और एक होता है केमिकल तरीके से, हार्मोनल तरीके से। और दोनों में डिफरेंस क्या है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है, सेल्स होती हैं। नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती हैं और हार्मोनल में केमिकल। अब ट्रांसमिशन पाथवे जो होता है, नर्व फाइबर यहाँ पे होता है, यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा, यहाँ पे काम फास्ट होगा, नर्वस वाले में काम बहुत फास्ट होगा, हार्मोनल में स्लो होगा। अरे यार एग्जांपल देख लो कि जब भी तुम्हें कोई मैसेज चाहिए होता, जब भी गर्म पानी पर हाथ लगाओगे तो तुरंत ही तुम अपना हाथ डालोगे, तो बहुत फास्ट सिस्टम काम किया। बट स्लो हार्मोनल सिस्टम कैसे है, तुम्हारा हॉर्मोन्स जो है, मान लो टेस्टोस्टेरोन, बहुत धीरे धीरे से टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, धीरे धीरे से तुम्हारा वॉइस में चेंज होता है, बियर्ड आती है, तो वो स्लो है। अब बट ये शॉर्ट टर्म में होता है, इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म है, और ये लॉन्ग टर्म है, कई साल तक इसका इफेक्ट रहता है हॉर्मोन्स का, चाहे वो कोई भी तुम्हारा हॉर्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हॉर्मोन है। ये लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है और ये वाइड स्प्रेड होता है, जैसे हॉर्मोन तुम्हारा हुआ ये वाइड स्प्रेड होता है और एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर भी हो सकता है। कैसे, क्या, ये सब नीचे हम समझेंगे। आ जाओ, सबसे पहली वहां पे मैंने जो समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एक्सीलेंट बट देयर आर लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन है। जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ सेल्स तक ही जाएंगी जहां पर नर्वस टिश्यू कनेक्टेड है, नर्वस टिश्यू कनेक्टेड है कि वहीं तक जा पाएगा। दूसरा कि वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। कुछ टाइम लगता है, ब्रेक लगता है। तो ये दोनों हो गया इसका ड्रॉबैक। अब अगर कोई केमिकल कंपाउंड से केमिकल ट्रांसमिशन हो तो ये काम बहुत ही स्मूथली और स्टेडली हो सकता है। क्या मतलब, यही आओ नीचे देखते हैं। जैसे हॉर्मोन्स प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन, डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट। दे आर सिंथेसाइज एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। क्या एग्जाम्पल है कि वेन अ ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट्स लाइट, जब भी लाइट डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, सिंथेसाइज एट द शूट टिप, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर वेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज टूवर्ड्स शेडी साइड। क्या मतलब, देखो मान लो ये है एक प्लांट, ठीक है, अब ये सनलाइट है इधर और लाइट आ रही है इस साइड से, तो हार्मोन जो होता है ऑक्सिन वो क्या करेगा, इस साइड ग्रोथ नहीं कराएगा बल्कि इस साइड ग्रोथ कराता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। तो क्या होगा, जब इधर साइड सोचो तुम, लगातार सेल डिवीजन होकर ग्रोथ होता जाएगा तो ये ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगा और इस साइड प्लांट को बेंड होना पड़ेगा, इस साइड प्लांट को बेंड होना पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला हार्मोन क्या है, ये लिखा है, दिस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। फिर अगला हार्मोन क्या है, गिबेरेलिंस, ये क्या करता है, विच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये स्टेम की ग्रोथ करवाता है। फिर साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट इज नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट एंड सीड। ये बहुत ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन करवाता है, ग्रोथ करवाता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट एंड सीड में। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, ये तो ग्रोथ प्रमोट करने वाले हो गए, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, इट इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। और ये ऐसा समरी यहाँ पे देख सकते हो, ए बी सी डी ई, ऑक्सिन, गिबरेलिंस, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड और इथिलिन का, इन पांचों का क्या क्या रोल होता है प्लांट में। इथिलिन क्या होता है, गैसियस हार्मोन होता है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट से मदद करता है, पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर प्लांट हार्मोन, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लाइट लीव्स और द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट, कैसे डिफरेंस होता है शूट और लीव्स का डिफरेंट, ये मुझे कमेंट करके बताओ। चलो आगे आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसके पहले स्क्रीन पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कितने हार्मोन्स हैं, क्या हैं, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेनलिन के बारे में कुछ समझाया हुआ है, ये देख लो।
जब भी एड्रेनल सिक्रीट होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे ये लिखने को आएगा एग्जाम में। एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो कब आता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में सिक्रीट किया जाता है। इसमें होता क्या है, एज अ रिजल्ट, यही रिजल्ट हमें देखना है कि क्या क्या होता है बॉडी में चेंजेस एड्रेनलिन सिक्रीशन के दौरान। हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। हार्ट फास्टर बीट करता है जिससे ज़्यादा सप्लाई होता है ऑक्सीजन का मसल्स में। ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज। जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ जा रहा था उसको कम कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स का उस तरफ, और उधर ब्लड ना भेज करके ब्लड कहाँ भेज जाता है, टू अवर स्केलेटल मसल, यानी जो मेन मसल्स हैं जो एक्शन कॉज करती हैं, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की तरफ भेज जाता है। द ब्रीथिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स। All these responses together enable animal body to be ready and to deal with the situation. तो ये पांच changes हैं ये लिखने को exam में आते हैं। इधर आ जाओ, इसको समझने से पहले समझ लो body में दो type के gland होते हैं, exocrine और endocrine। Exocrine gland वो होते हैं जिसमें duct present होता है, यानी एक gland है जिसमें कुछ भी बन रहा है chemical, उसके लिए एक pipe, यानी pipe लगी हुई है, duct लगी हुई है, तो वो कौन सा होता है, exocrine gland। और वो क्या सीक्रेट करते हैं, इससे एंजाइम्स, जैसे सैलिवरी एंजाइम, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें सैलिवरी एमिलेस निकलता है, काफ़ी एंजाइम निकलते हैं। फिर एंडोक्राइन क्या होता है, वो भी एक ग्लैंड है जिसमें कुछ ना कुछ बनता है हार्मोन वगैरह, बट उसमें एक डक्ट या पाइप एबसेंट होती है, ठीक है, डक्ट या पाइप नहीं होती है, डक्ट एबसेंट। ये क्या बनाते हैं, हार्मोन, जैसे पैनक्रियास। आओ देखते हैं, आप नीचे आओ, चलो नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इस डायग्राम में देखो हार्मोन्स कौन कौन से एनिमल में हैं। ये तो इधर मेल है, ये इधर फीमेल है। ऊपर देखो क्या है, पाइनियल ग्लैंड, दोनों में सेम पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर इधर ये थायरॉइड ग्लैंड नीचे होता है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड दो होते हैं, थायरॉइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर थाइमस, ये यहाँ पे हार्ट के पास होता है थाइमस। फिर नीचे पैनक्रियास, दोनों में होगा, एड्रेनल ग्लैंड दोनों में होंगे। द ओनली डिफरेंस इज टेस्टिस, इसमें टेस्टिस होगा और इसमें ओवरी, मेल और फीमेल में ये डिफरेंस है। चलो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि क्यों हमें बोला जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, या ऐसा सॉल्ट खाओ जिसमें आयोडीन हो, क्योंकि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है आयोडीन, और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। अब जिसको थायरोक्सिन नहीं होता है, सही मात्रा में नहीं बनता बॉडी में, उसको क्या बीमारी होती है, गोइटर। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ सकती है कि जैसे कई लोग को देखते हो बहुत छोटे रहते हैं, डॉर्फ, बहुत लंबे रहते हैं, जाइंट, तो ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। कहाँ से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये सारी चीज़ें तुम्हारे स्क्रीन पे देखो यहाँ पे दिख रही है कि कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन। अब लोकेशन कहाँ होती है, ब्रेन के पास, फंक्शन क्या है, ग्रोथ के लिए, और डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, डॉफनेस हो जाएगी, यानी बौनापन या एक्सेस टॉलनेस, बहुत बड़े हो जाओगे, जायंट बन जाओगे। फिर थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कौन सा हार्मोन निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर इसका फंक्शन ये है कि कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सही से नहीं काम किया तो गोइटर हो जाएगा, ठीक है। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या होता है, अरे फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर पैनक्रियास इंसुलिन बनाता है, और फंक्शन क्या है, बॉडी का शुगर लेवल कम करने में, और अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हो जाएगा डायबिटीज। अभी हम आगे देखेंगे पैनक्रियास का एग्जांपल अच्छे से। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन बनाता है, जिसका हमने देख लिया फंक्शन क्या है, फ्राइट या फाइट वाली सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। टेस्टिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाता है मेल के लिए, डेवलपमेंट में जरूरी होता है मेल के। और ओवरीज बनाती हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नीचे आ जाओ, नीचे में समझना है फीडबैक मैकेनिज्म, यही पैनक्रियास वाले एग्जांपल से समझेंगे। पैनक्रियास क्या है, देखो पैनक्रियास दो बनाता है, दो हार्मोन, एक इंसुलिन एक ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। बट कब, कैसे, क्या, ये कब कंट्रोल करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे पहली चीज यहाँ पे देखी गई कि ब्लड शुगर लेवल हाई है बॉडी में, अगर मान लो तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया तो पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन बढ़ा देगा। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, तो इंसुलिन जब बढ़ा देगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लग जाएगा। फिर ये ब्लड शुगर लेवल जब नॉर्मल होगा तो इंसुलिन कम करना पड़ेगा ना, वरना इंसुलिन मान लो बनता ही जाए तो एक बार क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने के बाद फिर नीचे गिरने लग जाएगा, वो नहीं करना है हमें। तो इंसुलिन क्या,
कम करना पड़ेगा। इसके लिए होता है फीडबैक मैकेनिज्म, इंसुलिन कम किया और फिर ये हो गया नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में पहुंचना है। तो इसके लिए होता क्या है कि जैसे ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है, ये एक मैसेज जाता है यहाँ पे पैनक्रियास को कि भैया अब इंसुलिन प्रोड्यूस मत करो ज़्यादा, काम अपना हो गया है। तो इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होता है, ये देखो कम हो गया, फिर अपना हो गया नॉर्मल स्टेट। इसी तरह हर हार्मोन में होता है यार, कोई भी हार्मोन हो, जैसे ही एक मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, जब एज तुम्हारी प्यूबर्टी वाली हो गया, एडोलेसेंस वाली, तो ग्रोथ हार्मोन ढेर सारा प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या हो गया, हाइट आ गई। अब हाइट एक बार अच्छी खासी आ गई तो फीडबैक जाएगा बॉडी में कि इस हार्मोन का प्रोडक्शन स्लो कर दो, तब क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन स्लो होगा जिससे नॉर्मल हाइट अचीव होगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ होती ही होती रह जाएगी और खली बन जाओगे। तो ये फीडबैक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये उसी का एग्जाम्पल टेक्स्ट में लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर समझाया। चलो ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आयोडीन क्यों जरूरी है, हाउ डज बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन आयोडीन इज सीक्रेटेड, मैंने ऊपर समझा दिया। फिर व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन, अब डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन क्यों देते हैं, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं जिससे शुगर लेवल कम हो जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, फ्री क्विज, सैंपल पेपर्स, नोट्स, सब कुछ अपने ऐप पढ़ लक्ष्य पे पढ़ा हुआ है, तो जाना जा पढ़ ले।